हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया यमा रेजर के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम को लेकर, तो ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैंने आपको बताऊंगा यमा रेजर के अंदर स्टार्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। अगर जितने भी सेल्फ मारते हो सेल्फ का साउंड आता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। जितने भी सेल्फ मारो जितने भी किक मारो आप, साउंड तो आता है सेल्फ मारने के बाद जो साउंड आता है कर 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 वो वाली साउंड आता है, और किक दबाने के बाद भी साउंड आता है लेकिन आपका गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। आपको आपकी जो स्टार्टिंग बटन होता है वो भी बिल्कुल सही है, आपका चाबी ऑन करने के बाद हॉर्न भी बज रहा है, इंडिकेटर भी ऑन हो रहा, लेकिन आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। किक दबाने पर भी स्टार्ट नहीं हो रहा, सेल्फ दबाने पर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, सेल्फ दबाने के बाद भी स्टार्ट नहीं होता और किक दबाने के बाद भी स्टार्ट नहीं होता, तो वो वाली वीडियो आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं। और गाइस इसके अंदर भी मैंने आपको बताऊंगा कुछ अलग स्टेप बताऊंगा, ठीक है। इसके अंदर आपका बटन भी काम करता और इंडिकेटर भी काम करता लेकिन सेल्फ दबाने पर साउंड तो आता लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। अब किक से भी स्टार्ट नहीं होता, सेल्फ दबाने से सेल्फ का साउंड आता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैंने आज बताने वाला हूँ। तो गाइस अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं, वो भी काम का है दोस्तों। ये वाला वीडियो भी आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस अगर आपने मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, एंड इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो, उसका भी लिंक आपको नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कड़ी हमारा रिजल्ट। तो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया, कल का वीडियो अगर आप नहीं देखा तो आई बटन पे हर होकर जाके देख सकते हैं। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको चालू करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इग्निशन को ऑन कर दिया, और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इंडिकेटर को ऑन करके दिखाता हूँ। अब देख सकते इंडिकेटर ऑन है, ठीक है। तो मैंने स्टार्टर दबा के देखता हूँ आपको, देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट कंडीशन में, ठीक है। देख सकते हो दोस्तों गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट कंडीशन पर है अभी, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दिखा देता हूँ कि प्रॉब्लम अगर आया तो कहाँ से आता, ठीक है। तो जितने भी आप सेल्फ मारो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, वो भी मैंने आगे दिखाता हूँ, उसको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको सीट खोलना पड़ेगा ये वाला। तो सीट खोलने से पहले मैंने आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला स्क्रू, ठीक है। तो ये वाला स्क्रू को लूज़ करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लूज़ कर चुका हूँ इतना, यहाँ पर देख सकते हैं ये लूज़ हो चुका है। तो इसको और थोड़ा लूज़ करके जो इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको ओपन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते पाइप ये वाला, तो ये वाला पाइप को ओपन करना है क्योंकि ये सीट से अटैच होता है, ठीक है। तो सीट का जो डिक्की होता है ना उसको अटैच रहता है, तो इसको निकालने के बाद भी सीट ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए मैंने इस स्क्रू को ओपन कर लेता हूँ पहले। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, तो मैंने आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से फिटिंग रहता है, ठीक है। तो शायद आपको दिख रहा होगा ये जो नट खोलने के बाद ये इस तरीके से पाइप होता है रबर का, तो इससे इसको ओपन कर देना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर देना है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो हमें सीट के अंदर जो 10 mm का नट बोल्ट होता है, तो उसको मैंने ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो सीट को ओपन करना है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ टूल से मेरा इसको साइड पर रख लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये वाला चारों बोल्ट है, एक दो और यहाँ पर एक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, ठीक है। तो चारों नट्स को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैंने इसको चारों नट्स को ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक स्क्रू है और इस साइड पर भी एक स्क्रू है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है ये स्क्रू और ये स्क्रू, ये चारों नट बोल्ट ओपन करना है 10 mm टीप आना की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों मेरे पास एक 10 mm का टीप आना है। अगर आप इस टूल को परचेस करना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, तो जाके परचेस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ पहले। तो
दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी स्क्रू निकाल दिया और इस वाला साइड भी निकाल दिया और इसके अंदर भी मैंने निकाल दिया और दोनों स्क्रू है तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों स्क्रू मैंने यहाँ से एक निकाल दिया और इस साइड से भी एक निकाल दिया थी। ठीक है, और उसके साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये चारों नट बोल्ट है तो ये भी नट बोल्ट मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो अभी ये डायरेक्टली ओपन हो जाता तो चलिए मैंने आप इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी इसको ओपन कर चुका हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो सीट है तो मैंने बताया था उसको पहले एक जो पाइप होता है तो यहाँ से एक पाइप होता है। ठीक है, तो उस पाइप को भी हमने निकाल दिया तो उस पाइप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने सीट के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला पाइप आप देख सकते हैं वहाँ पर कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो ये सीट से कनेक्ट रहता है तो अभी मैंने चेक करके दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इंजन की हालत क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा डस्ट है यहाँ पर। मैंने आपको दिखाता हूँ अभी इसको प्रॉब्लम ठीक से दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यामाहा रेजर्ड है तो इसके अंदर अभी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं मैंने इग्निशन को ऑन कर चुका हूँ, देख सकते हैं, और इंडिकेटर मैंने चालू कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेटर ब्लिंक हो रहा है तो अभी मैंने इसको चालू करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी चालू हो गई बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो गया ना गाड़ी, फिर से मैंने चालू करके दिखा देता हूँ आपको। देख सकते हैं गाड़ी अभी चालू है, देख सकते हैं दोस्तों बंद हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं दोस्तों साउंड तो आता है लेकिन चालू नहीं होता, तो इसके अंदर है दोस्तों अभी प्रॉब्लम है तो मैंने आपको दिखा देता हूँ प्रॉब्लम क्या है। आप देख सकते हैं मैंने इसको फिर से बंद हो गया। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने स्टार्ट दबाता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों साउंड तो आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने स्टार्टिंग बटन दबा रहा हूँ, इसके अंदर जो साउंड आ रहा है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो देख सकते हैं मैंने स्टार्ट दबाता हूँ, जितने भी स्टार्ट करो स्टार्ट नहीं होता, तो मैंने इसको किक से भी चालू करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों किक से भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मैंने फिर से सेल्फ से आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी चालू हो गया फिर बंद हो जाता। ठीक है, तो फिर से मैंने चालू करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं तो देख सकते हैं आप दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम क्या है मैंने आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक पाइप है फ्यूल पंप से कनेक्ट रहता है तो ये हवा फ्यूल पंप से यहाँ से फूस लेता है, मतलब कि हवा लेता है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला पाइप यहाँ से थोड़ा सा कट है तो भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होता, तो इसको मैंने आपको निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। अगर ये पाइप यहाँ से ज़रा से भी कट हो गया ना, यहाँ से हवा लीक हो गया तो ये गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका सलूशन मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ तो फिर से मैंने आपको दिखा देता हूँ। ये पाइप मैंने ओपन किया था इसीलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर यहाँ से थोड़ा सा भी कट रहेगा तो आपका यहाँ रेजर स्टार्ट नहीं होगा। ये हर स्कूटी के अंदर होता है, हर गाड़ी के अंदर ये पाइप होता है। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको चालू करके दिखाता हूँ और पाइप भी लगा के चालू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं आप गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बटन दबा दिया, आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, स्टार्ट हो गया फिर बंद हो जाता। ठीक है,
अब देख सकते हैं इसके अंदर जो प्रॉब्लम है यही है। ठीक है, तो इस पाइप को मैंने यहाँ पर डाल देता हूँ और देख सकते हैं दोस्तों मैंने पाइप यहाँ से अच्छी तरीके से डाल दिया। अगर पाइप ये ज़्यादा तरीके से कट होने का चांसेस रहता है, अगर ये ज़्यादा वार्म हो गया तो कट होता, तो यहाँ से थोड़ा सा भी कट रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होता। तो चलिए मैंने आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया, अभी गाड़ी बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे मैंने 5 मिनट के लिए यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गया, अभी कोई बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फिर से मैंने चाबी बंद करके चालू करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अगर आपका इंजन में भी प्रॉब्लम है तो ये वाला पाइप कट रहेगा तो यहाँ से थोड़ा सा एयर पास होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, तो इस पाइप को कट करके फिर से अंदर डालना पड़ेगा, आपका गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट करके बताइए। तो अगर आपके यमहा रेंजर के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैंने आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं हमारे चैनल के अंदर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को दबा के आल पर क्लिक कर देना। एंड आपको और भी कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए, कुछ भी आपकी यमहा रेंजर के अंदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, तो उसका ऊपर मैंने वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि लॉकडाउन है, घर में कोई काम भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया। तो गाइज मेरा पुराना चैनल भी और 2 चैनल है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो जाके वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का चैनल बनाया है तो ऑलरेडी उसका ऊपर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, तो जाके वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइज एम आर रिजल्ट के अंदर और भी मॉडिफिकेशन चाहिए, और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैंने उसका कमेंट को रीड करता हूँ और उस कमेंट को रिप्ले करता हूँ, उसका ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को दिखा देता हूँ। गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो बस इतना है, मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।